और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ नहीं। और ये सब लोग रीजनल एस्पिरेशंस को उछालते चले गए और बाद में ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वंशवाद के खिलाफ लड़ाई। और किसी को भी प्रजातंत्र, और बिहार में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार वैसे भारत देश ही प्रजातंत्र की, इट इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कभी वैशाली को नहीं भूल सकते हैं, बिहार की धरती को नहीं भूल सकते हैं। हम यहां से जन्मे हुए, तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात भी करें तो उसके लिए परिवारवाद चैलेंज है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज बिहार के सोल्ला जिले में बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन किया और एक बार फिर से परिवारवाद पर हमला करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्पष्ट कर दिया और कहीं ना कहीं तमाम नेताओं को और कार्यकर्ताओं को टास्क दे दिया है और कह दिया है कि अब जंग परिवारवाद से है। देश में जितनी भी परिवारवाद की पार्टियां हैं उसे जड़ से खत्म करना है। सबसे पहले आप जेपी नड्डा का वो बयान सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने कभी रीजनल एस्पिरेशंस को समझा नहीं, इसलिए साउथ में होते हुए भी उखड़ गए, केरला में उखड़ रहे हैं, कर्नाटक में कमजोर हो गए, तमिलनाडु से बहुत पहले चले गए, आंध्र में उखड़ गए, तेलंगाना में उखड़ गए, ये सब कांग्रेस की जगह है। देखो, नेवर अंडरस्टैंड द रीजनल एस्पिरेशंस। हमारे मोदी जी यूएनओ में जाते हैं, चर्चा किसकी करते हैं? तिरुवल्लुवर, चर्चा किसकी करते हैं? तमिलनाडु की कविता की करते हैं, कवि की करते हैं। रीजनल जो हमारे देश के लोग, जिन्होंने देश की आजादी से लेकर के देश के साहित्य में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया, उसके लिए करते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा ये मानना है कि विचार के आधार पर हम आज नहीं तो कल इन प्रदेशों में भी कमल खिलाएंगे इस बात का। लेकिन लड़ाई किससे है हमारी? जम्मू कश्मीर में हम किससे लड़ रहे हैं? मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूंगा, पीडीपी महबूबा की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला की पार्टी है, परिवार की पार्टी है। अब हरियाणा में बात, पंजाब में आ जाओ, शिरोमणि अकाली दल परिवार की पार्टी है। अब तो दूसरी पार्टी भी जो है वो भी परिवार जैसी पार्टी हो गई। अब हरियाणा में आ जाओ, परिवार की पार्टी है। आप इतना बड़ा उत्तर प्रदेश, 24 करोड़ का प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 287 सीट्स में चुनाव लड़ा और 280 सीट्स में जमानत जब्त हो गई, सुपला साहब, और हमसे लड़ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी है। यहां भी हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, परिवार की पार्टी है। केरला में, बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? परिवार की पार्टी है, पीसी भाईको की पार्टी है, दीदी की पार्टी है और भतीजे की पार्टी है, नवीन बाबू की पार्टी है, एक व्यक्ति की पार्टी है उड़ीसा में। आप वाईएसआर की बात कर लीजिए, जगनमोहन की बात कर लीजिए, परिवार की पार्टी है। आप तेलंगाना में आ जाइए, टीआरएस, तेलंगाना राज्य समिति, केशव चंद्रशेखर राव, केसीआर, परिवार की पार्टी है। तमिलनाडु, परिवार की पार्टी है। हर जगह परिवार, शिवसेना जो अब समाप्ति की ओर हो रही वो भी परिवार की पार्टी है, एनसीपी परिवार की पार्टी है। और मैं कई बार कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी अब भाई बहन की पार्टी रह गई, बाकी कुछ नहीं। और ये सब लोग रीजनल एस्पिरेशंस को उछालते चले गए और बाद में ये परिवार की पार्टियां बन गई। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वंशवाद के खिलाफ लड़ाई। और किसी को भी प्रजातंत्र, और बिहार में मैं इसलिए बोल रहा हूं कि बिहार वैसे भारत देश ही प्रजातंत्र की, इट इज मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और जब हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम कभी वैशाली को नहीं भूल सकते हैं, बिहार की धरती को नहीं भूल सकते हैं। हम यहां से जन्मे हुए, तो अगर हम डेमोक्रेसी की बात भी करें तो उसके लिए परिवारवाद चैलेंज है। और उस चैलेंज को अगर लड़ना है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही लड़ सकती है।
तो आपने सुना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि परिवारवाद से जंग है और जितनी भी देश में परिवारवाद की पार्टियां हैं, चाहे वो राजद हो या हो कांग्रेस, जड़ से खत्म करना है और इस लड़ाई को लड़ना है। खैर, लाइफ स्टीज के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तुरंत सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।